नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं नवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हाँ, आज नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी के जवाहर नवोदय विद्यालय में क्रिसमस पर्व मनाया गया, जिसमें पाठशाला के प्रिंसिपल शेफाली सिंह के साथ पूरा स्टाफ और पाठशाला के बच्चे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय की अलग अलग संस्थाओं की सांस्कृतिक कार्यक्रम विजेता जाहिर हुई। पाठशाला के बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले अध्यापकों का प्रिंसिपल शेफाली सिंह द्वारा पुष्पमाला, शॉल और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा गुजरात से बोल रही हूँ। आज मेरे विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के परिसर में क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिन रखा गया है और इस आयोजन के अंतर्गत हमने हमारे उन अतिथियों को आमंत्रित किया है जिन्होंने विद्यालय में आयोजित होने वाले 20 दिवसीय कार्यशाला थिएटर के लिए, ड्रामा के लिए जिन्होंने हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। उसमें है श्री अनिकेत पंड्या जिन्होंने ड्रामा का पूरा डायरेक्शन दिया, निर्देशन का काम किया और उनकी जो को सहायक के रूप में जो उनके साथ में थी सुश्री नमिता पंड्या और जिन्होंने कहानी लिखी है वो सुश्री रीमा शाह। इन तीनों ने हमारे बच्चों को इन 20 दिन के अंतर्गत मंच पे कैसे नाटक को करना चाहिए, संवाद कैसे बोलना चाहिए, एक प्रकार से बारीकियां, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को मंच पर अपने अभिनय की प्रतिभा को कैसे दिखाना है, इस कौशल को उन्होंने बहुत ही खूबी से इतने कम दिन में उन्होंने सिखाया है। पुणे रीजन में जो आयोजित हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय केवड़िया कॉलोनी ने हमारे नाटक ने पूरे पुणे रीजन में फर्स्ट प्राइज जीता है, तो मैंने उसमें डिज़ाइनर और कोरियोग्राफर की भूमिका अदा की थी। बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं जवाहर नवोदय विद्यालय केवड़िया के और मुझे बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ काम करने में। उनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है, उनका टैलेंट और क्रिएटिविटी लेवल भी उतना ज़्यादा है कि मुझे कोरियोग्राफ करने में, पूरा प्ले डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आया। जितने भी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स मैं डाल सकती थी, जल ही जीवन है का जो थीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसके ऊपर मैंने अपना जितना भी बच्चों के साथ रह के क्रिएटिव कर सकती थी मैंने किया है और मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेहनत जो की थी वो सफल रही है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके फर्स्ट प्राइज जीता है। स्कूल के प्रिंसिपल को, शेफाली मैम को, आवृत सर को, अनिकेत पंड्या जो कि डायरेक्टर है, मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी और एक बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट रहा और बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। 6 नवंबर से जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदा में मुझे कलागुरु के तौर पर बुलाया गया था और मुझे ये मौका दिया गया कि यहाँ के बच्चों को मैं थिएटर सिखा सकूँ। इसके अलावा हमने यहाँ पर 23 दिन तक एक कार्यशाला चलाई जिसमें जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हमने जल ही जीवन है थीम के ऊपर एक नाटिका प्रस्तुत की जो 15 मिनट की थी और उसे पुणे रीजन के अंदर अहमदाबाद में 20 स्कूलों के बीच में प्रस्तुत किया गया जिसमें हमारी स्कूल प्रथम क्रमांक लाई गई। बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और इन 23 दिनों में उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया और डेवलप किया। इसमें मुझे खास कर जो सहाय मिली वो स्कूल के प्राध्यापक श्री शेफाली सिंह के द्वारा मिली, कॉस्ट्यूम में और मेकअप में, और पूरा जो अरेंजमेंट था म्यूज़िक से लेकर सब कुछ उसमें श्री आवृत भट्ट ने मुझे काफ़ी सहायता की। मेरे दो सहपाठी नमिता पंड्या और प्रीमा शाह जिन्होंने मुझे कोरियोग्राफी और लेखन में काफ़ी सारा सपोर्ट दिया था जिनकी वजह से हम लोग 20 स्कूल के बीच 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा 2 यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली, दीव और दमन में हम ये क्रमांक ला सकें।